अगले कॉलर हैं कोटा राजस्थान से, स्वागत है आपका। आतिम साहब सलाम वालेकुम। जहूर भाई बोल रहा हूँ जनाब। जहूर भाई स्वागत आपका। वाले सलाम। मतलब मैं ये कह रहा था आपका, किसी ने शुक्रिया बोला, बहुत बहुत शुक्रिया बोला आपने। बोली यार बहुत बहुत शुक्रिया कहना, वो बच्ची के क्या है, मैंने आपसे पहले नुस्खा पूछा था ना 1.5 महीने पहले, उसके पेशाब में नलकी डल रही थी और पेशाब में मतलब जलन थी और पेशाब बाहर में आता था, कमजोर थी, तो उसको मैंने आपको नीचे बताया था, कत्था वगैरह जो दिया उसको मतलब बहुत आराम है। क्या गोलियां दवाई बंद हो गई उसके, अब तो ये अपनी ले रही खाली बस, उसको बहुत बहुत आराम है। उसने उसने आपको सलाम बोला। बहुत और शुक्रिया। दूसरा दूसरा मतलब दूसरा ये है कि सर, मतलब अपन जो पीपला बोलते हैं ना, मतलब पीपला पीपला मून अपन अगर मांगते हैं तो वो जैसे पीपला मून को जल पे देता है पीली पीली, और अगर पीपल पीपल मांगते हैं तो मतलब अपन क्या काली काली सी देता है, तो जैसे अपन मतलब अलग फर्क है सर, मतलब इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि पीपला मून और पीपले में फर्क बताया, मतलब सबों ने जो अगर किसी को बता तो पीपला मून मतलब थोड़ा दिक्कत होती है इसमें बोलने, मतलब आगने में दूसरा टीप देता हूँ ठीक है ठीक है। जी। देखिए बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी, उस बच्चे के नल की पड़ी हुई थी, भगवान ने फायदा दे दिया। और देखिए मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ, अगर वो असली मिलेगा तो फायदा मुमकिन है। अच्छा ये देखिए, पीपला मूल आप समझ ले कैसा होता है। शहतूत तो आप जानते होंगे, शहतूत जैसा होता है ना, ताज़ा शहतूत ऐसा होता है, शहतूत की तरह लंबा 1 सवा इंच का। और सूखा हुआ शहतूत समझ लीजिए, वो बिल्कुल सख्त होता है। और किसी को भी देखना हो पीपला मूल कैसा होता है तो मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब पर देखा करें। आप लिखेंगे हकीम सुलेमान खान तो मैं आपके सामने आऊँगा, जो नुस्खा चाहिए कौन सी दवा कैसी होती है। इससे आपको 2-3 फायदे होते हैं। देखिए एक तो मेरे पास से 2-4 नुस्खे रोज़ाना आप तक पहुंचते हैं, अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज़ नुस्खे पहुंच जाया करेंगे 2-4, जो आप तक नहीं पहुंच पाते या प्रोग्राम हर कोई नहीं देख पाता, आजकल मसरूफ़ हैं लोग, बिजी हैं। तो एक तो नुस्खे पहुँचा करेंगे, फिर असली चीज़ की पहचान हो जाएगी। और फेसबुक पर या उस पर गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं पीपला मूल कैसा होता है। और आप नहीं कर सकते तो अपने बच्चों से, किसी बच्ची से, किसी पड़ोसी से, आजकल तो फोन का दौर है तो वो देख सकते हैं। और इसकी पहचान के लिए मैंने किताबें भी लिखी हैं, तकरीबन 3-4 किताबें मैंने लिखी हैं, वो भी मंगा सकते हैं। उसमें सारी जड़ी बूटियों की तस्वीरें हैं, आप उन्हें मंगा लें तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा।